in a slab. हेलो एवरीवन, लेके आ गया एक और नया कस्टम रूम। आपको पता रहा हो तो मैं डेली कस्टम्स कंडक्ट कराता हूँ। रात को 11 बजे हमारा डेली का शेड्यूल है कस्टम्स कराने का। तो ये एक कस्टम हमने जो कल कराया था उसकी कुछ हाइलाइट्स हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए कुछ टीम्स हमारी जो आ रखी हैं, 45 बंदे अभी ज्वाइन हो चुके हैं। हमारे लास्ट कस्टम की विनर थी टीम AGAC, वो भी इस मैच में है, देखते हैं क्या होता है इस मैच में। और गाइस, आपको भी अगर कस्टम रूम ज्वाइन करने हैं तो नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है और फेसबुक लिंक, इंस्टा लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करिए और डेली अर्न करिए। हमारे फ्री पे टूर्नामेंट्स भी होते हैं तो उन्हें भी प्ले करिए, और पेड टूर्नामेंट्स भी होते हैं तो प्लीज़ उन्हें भी ज्वाइन करिए। चलिए, कुछ टीम्स उतर चुकी हैं। टीम AGAC उतर चुकी है, जॉर्जीपोल सिटी जा रही है। YDC की टीम पोचिंकी आ रही है। ये देखिए पाथवे, डू और डाई की टीम उतर चुकी है यहाँ पे। ये टीम नंबर 3 पॉइंट ब्लैंक इनके लीडर हैं, ये जॉर्जियो आ चुके हैं। किल शॉट कुंदन केडी, वैनम राहुल, 3 नंबर 3 के प्लेयर्स ट्रिपल वेरा उठते हुए। ओके, यहाँ पर एक और टीम है, टीम गॉड्स, मानो टीम BTS है इनका नाम, गॉड्स इनका एक ही प्लेयर है, बाकी प्लेयर्स का नाम टीम BTS है। लेट्स सी इनका फाइट होता है कि नहीं होता है। ओके, इनका एक बंदा एक नॉक कर चुके हैं, वैनम राहुल नॉक हो चुके हैं, कंटेनर के अंदर बैठे हैं वो। गॉड ज्यूस ने लेफ्ट फ्लैंक मारा है, ये तो बुरा फंसे हैं वैनम राहुल, इनको कोई रिवाइव देने भी नहीं जा सकता है। राइट से लेफ्ट से दोनों से TPP ले रहे हैं बंदे। कुंदन केडी फ्लैंक मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। किल शॉट नेड करते हुए कवर देने की कोशिश करेंगे अपने टीममेट को, नेड मिड एयर फट गया, ज़्यादा कुक कर दिया था शायद उन्होंने। पॉइंट ब्लैंक भी कुंदन केडी के साथ जाते हुए, बट वो वहीं पे होल्ड कर रहे हैं अभी पोजीशन अपनी। देखते हैं किल शॉट जाते हैं कि नहीं रिवाइव दे रहे। और ये गए, ओह शिट, नॉक एंड फिनिश, बहुत ही गलत हुआ इनके साथ। इनके टीम के 2 प्लेयर्स जा चुके हैं, टीम 3 के 2 प्लेयर्स डेड हो चुके हैं। पॉइंट ब्लैंक को भी काफी डैमेज हुआ है, ये कवर देने की कोशिश कर रहे थे इनको, किल शॉट को। ओके, टीम BTS के 2 प्लेयर्स इनके ऊपर चढ़ चुके हैं। ओके, इनको कोई क्लू नहीं है कि वो पीछे से घूम के आ गए, और ये लगता है अब नॉक हो जाएंगे। एक प्लेयर नॉक करके पॉइंट ब्लैंक भी नॉक हो चुके हैं, और ये फिनिश, कुंदन केडी भी फिनिश, कोई कुछ नहीं कर पाया। टीम 3 बहुत आसानी से मर गई यहाँ पे। टीम नंबर 11 आ चुकी है वहाँ पे, ट्रिपल वेयर हाउस के पास जो जॉर्जेस। ओके, अब चलते हैं पोचिंकी की तरफ। पोचिंकी में एक टीम है YDC, उन्होंने फ्लेयर भी मंगा रखी है, नाइस। ओके, अब हम आ चुके हैं लिपोव का, यहाँ पे फाइट हो रही है। यहाँ स्पार्टन टीम है, उन्होंने एक बंदा नॉक कर दिया है दूसरी टीम का। नियोन के एक बंदे को नॉक फिनिश देते हुए, अब इनके 3 बंदे अलाइव हैं, स्पार्टन के 4 बंदे अलाइव हैं। काफ़ी अच्छा फ्लैंक करते हुए, उनको कोई क्लू नहीं है कि वो यहाँ से आ रहे होंगे। ये देखिए इनके एक बंदे ओपन में, ये भी नॉक होने वाले हैं, और हो गए, वाओ, बहुत ही बढ़िया स्प्रे आयरन साइड पे। स्पार्टन बीस्ट, लिटरली बीस्ट वाला काम करते हुए। अभी देखते हैं 1v3 करते हैं कि नहीं। ओके, नेट करने जा रहे थे बट उन्होंने रिमूव कर दिया। ओहो, फिनिश होते होते बचे, ओह नॉक हो चुके हैं स्पार्टन बीस्ट। लेट्स सी इनके टीममेट कवर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। ओके, इनको रेव मिल रहा है, इनके एक टीममेट ऊपर जाके ब्रश करते हुए, वो भी नॉक हो चुके हैं और फिनिश, उनको नॉक फिनिश मिल गया, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। इनके दूसरे टीममेट दूसरे घर में जाके वहाँ से TPP लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई साइड मिले वहाँ से। स्पार्टन बीस हील करते हुए, ओके फिनिश हो चुकी है ऊपर सारे स्क्वाड्स। एलिस फ्यूरी OP ने मार दिया लग रहा है,
ये कौन है भाई? ऑफलाइन चले गए हैं तो प्रथम, और यहीं पे दो बंदे हैं इनके साथ नीचे, दूसरी टीम के, टीम 11 के इनके टीममेट हैं, अपार्टमेंट्स में लूट रहे हैं। वाह, इनका क्या होगा बेचारे का। बट इन्हें कोई क्लू नहीं है कहाँ पे। अभी हम आ चुके हैं जॉर्जो के पीछे, जॉर्जो सिटी में। ये देखिए टीम AGSE काफ़ी ओपी खेलते हैं, अच्छे क्या होता है। BRK माही होने के टीममेट हैं, डू और डाई लूसीफर ये लोग हैं अभी, या स्नैप ओलियाना में। इनको कोई डर नहीं है, देखिए सब स्कैटर होके पूरे या स्नैप ओलियाना में घूम घूम के लूट रहे हैं। दो बंदे अपार्टमेंट्स में हैं, एक बंदा चर्च के पास है, दूसरा बंदा वहाँ मेन बिल्डिंग के पास है, हॉस्पिटल टाइप के पास। ओके, उनके पास गाड़ी आते हुए लॉर्ड्स की, टीम लॉर्ड आ रही है उनके पास। ये आके रुक गए इस कंपाउंड के पीछे, लेट्स सी अब क्या होता है, फाइट होगी क्या होगा। एक और गाड़ी आ गई उनकी, चारों टीममेट्स आ गए हैं। आई डोंट थिंक इन्हें भी क्लू है कि स्नैप ओलियाना में एक टीम है। ये क्या हो रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल कैंपिंग कर रहे हैं लोग तो रेड रेड के। टीम 11, ये लोग 2v4 है वैसे एक्चुअली, इनके स्क्वाड में दो ही बंदे बचे हैं। ये AGSE क्रिप्टॉन मारना शुरू कर दिए। ओहो, यहाँ पे तो थर्ड पार्टी हो रखी है एकदम। टीम YDC बीच में फंसी है स्क्वाड हाउस में। टीम BTS के दो बंदे बचे हुए हैं जो यहाँ पे हैं, गैरेज में एक है और एक पीछे शैक वाले हाउस में है, और AGSE रिज पकड़ के बैठी हुई है। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है, लेट्स सी। AGSE वाले काफ़ी ओपन हो रहे हैं, एक लाइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है, दो सेंटर से मार रहे हैं। YDC यस काफ़ी पास है इनके। ओके, YDC अनमोल एंड YDC यस रश करने की कोशिश करते हैं, बट दोनों को स्प्रे पड़ता है, और YDC अनमोल नॉक हो चुके हैं, YDC यस भी नॉक हो चुके हैं। और यहाँ YDC यस को फिनिश करते हुए BTS नूब ओपी ने। ओके, AGSE क्रिप्टॉन ने एक बंदा मारा, एक बंदे को YDC ईशा ने मार दिया, काफ़ी अच्छा यहाँ पे थर्ड पार्टी हो गया। ओके, AGSE वाले बढ़ते हुए आगे इनकी तरफ, राइट से एक बंदा पीछे से लेफ्ट से भी आ रहा है, लेट्स सी क्या होता है। इन्फिनिक मोहित है यहाँ पे, YDC ईशा, YDC अनमोल को रैप देते हुए। ओहो, ये तो फंस गए सोफे की वजह से, और ये नॉक हो चुके हैं। YDC भी पूरी वाइप आउट हो चुकी है। AGSE एकदम बीस्ट मोड में खेल रही है अभी, यहाँ पे फुल लूट मचा रहे हैं लोग तो। हम यहाँ स्नैप ओलियाना आ चुके हैं, यहाँ पे DOD मतलब डू और डाई के जो मेंबर हैं, किल शॉट एक नेड मारते हुए, और क्या ही प्यारा नेड था, इन्होंने यूसुफ भाई को नॉक कर दिया यहाँ पे। दोबारा नेड करके फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला नेड वर्क नहीं किया, फिनिश नहीं कर पाए इन्हें। टीम नंबर 25 भी काफ़ी डाइवर्स हो चुकी है, दो बंदे मेन बिल्डिंग पे हैं, एक बंदा नीचे है, एक बंदा राइट में है पूरा, मतलब इन पे रश करना अभी काफ़ी मुश्किल है, पता ही नहीं है डू और डाई की टीम को कि कहाँ पे हैं ये बंदे। देखिए हम क्लोजअप व्यू नहीं लेते हैं, ऊपर से थोड़ा देखते हैं कहाँ पे कौन कौन है। देखिए DOD डू और डाई थॉर हैं ग्रीन वाले हाउस में, उनके पीछे हैं DOD सुपरमैन, और यहाँ लेफ्ट राइट में है हमारे DOD किल शॉट। लेट्स सी यूसुफ भाई फिनिश हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। ओके, सो हमारे किल शॉट नीचे आ चुके हैं, घर से उतर चुके हैं, यहाँ ब्रोकन वॉल पे बैठे हैं, ये ट्राई करेंगे वहाँ नेट देने का या फिर फिनिश करने का उनको। कोई फ़ायदा नहीं, काफ़ी TPP लेके बैठे हुए, इन्हीं के ऊपर नेट आ रहा है किल शॉट पे। ये वापस अपने घर में जाते हुए, वाह, अभी अगर नहीं गए होते तो इन्हीं के ऊपर नेट आया होता ये वाला, काफ़ी प्यारा नेट था ये लास्ट वाला। टीम नंबर 25 के OP प्लेयर्स, लॉर्ड, टीम लॉर्ड से ये। इस टीम के रिगार्डिंग एक सरप्राइज है गाइस, स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक देखिएगा वीडियो।
काफी अनएक्सपेक्टेड है ये टीम, देखते रहिएगा इनको। देखिए टीम एजीएसी की अभी टोटल किल 6 हो चुकी हैं, दो स्क्वाड वाइप कर चुके हैं वो, फुल बीस्ट मोड है एकदम। काफी अच्छा खेलते हैं लोग भी। ये देखिए अभी भी लूट ही रहे हैं एजीएसी वाले। ओके इनके 10 किल्स हो चुके हैं टीम एजीएसी के। अच्छा इन्होंने यहाँ पे चलती हुई गाड़ी पूरी फोड़ दी थी, ग्रेट। अब टी नंबर 25 लॉर्ड्स टीम भागते हुए यहाँ से जोन आ रही है, क्योंकि इनको भी मूव करना पड़ेगा, डू और डाई सुपरमैन को यहाँ से निकलना पड़ेगा जोन से। इनका एक टीममेट गाड़ी लाते हुए, ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, तो इसको क्या रोजो खेल पे एक बंदा नॉक करते हुए एजीएसी की टीम, टीम नंबर 1 का एक बंदा है ये। ओह ये क्या कर रहा है, तो भीख मांग रहा है रिवाइव होने की, छोड़ने की, सर अपने लूट छोड़ दिया इसने यहाँ पे। अरे इनका टीम तो ऑफलाइन है ना, इनका टीममेट ऑफलाइन है, कुछ नहीं कर सकते ये। अगर इनको छोड़ भी दिया जाए टीम 1 को तो ये अपने आप ही ब्लीड आउट होकर मर जाएंगे। DD028 जो भी नाम है इनका, 288, अरे लूट दे रहे हैं, वाओ ये तो कदा ही क्लासिक वाला सीन हो गया भाई, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो टाइप। नाइस, लेट्स सी इन्हें छोड़ते हैं कि मारते हैं, देखते हैं। ओके इन्होंने अपने टीममेट की लोकेशन बता दी है शायद उन्हें, बट इन्हें यहाँ से विजुअल नहीं है। ये देखिए कुछ स्टैट्स, कितनी टीम्स खेल हो चुकी हैं गाइस, हमारे पास बची हैं सिर्फ 8 टीम्स, 7 टीम सॉरी। ये देखिए मार दिया है एजीएसी जगारी ने, काफ़ी सेवेज वे में पीक करके मार रहे हैं पता नहीं क्यों। ओके इनका दूसरा टीममेट भी फिनिश हो चुका है, अब टीम बची है हमारे पास 6। कट्टा अमित, टीम कट्टा के प्रो प्लेयर हैं, अभी यहाँ घर में बैठे हुए हैं। अच्छा उनके पास एक, उनके टीममेट्स के पास गिली सूट भी है, और एक के पास M24 है, M249 भी है इनके पास। ओके एजीएसी यहाँ भी आते हुए, लेट्स सी यहाँ के कमाल दिखाती है जी एसी। पहले तो नेट करने के ट्राई करेंगे, और मास्टरमाइंड की हेल्थ काफ़ी कम कर दी है इन लोगों ने, 70% 50%। एक और नेट डालते हुए अंदर, अब ए जी एसी जगारी अंदर घुसेंगे। ओके इनके ब्रोक माही नेट से नॉक हो चुके हैं, इन्हीं के नेट से एक्सीडेंटली। अब कैंपिंग देखिए भाई, कैंपिंग देखिए अलग लेवल, ओ भाई बट कुछ नहीं कर सकते, ए जी एसी बीस है अभी यहाँ पे। टीम किल्स 14, सीरियसली। ओके डू और डाई की टीम इस वॉच टावर में होल्ड करते हुए, लेट्स सी कब तक होल्ड करते हैं और ये क्या कमाल दिखा पाते हैं आज। ए जी एसी की टीम तो फुल फॉर्म में एकदम चौड़े में घूम रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इनको। इनकी टीम में ऐसा टीममेट जो है ना कवर बहुत अच्छा देते हैं, अगर कोई एक बंदा नॉक भी होता है तो बहुत प्यारा कवर देते हैं। ए जी एसी क्रिप्टॉन काफ़ी अच्छे स्नाइपर हैं, दूर से ही गाड़ी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं और पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके वहाँ एक और टीम थी, टीम नंबर 25 भी थी, लॉर्ड्स की टीम भी थी वहाँ पे। वो देखिए कार में बैठे हैं लॉर्ड्स की टीम वाले, इनके पीछे भी एक टीम है क्रिप्टॉन के पीछे, लेकिन इनको शायद पता नहीं है। ओके इन पे फायर आया, ये मारना शुरू कर रहे हैं टीम 22 को। टीम 22 है गॉड्स की टीम, टीम गॉड्स। लेट्स सी कोई नॉक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ओके डू और डाई की टीम का एक बंदा नॉक हो चुका है, फिनिश हो चुका है। पीओडी की टीम अब फाइट बैक कर रही है, मार रही है वो। एजीएसी क्रिप्टॉन नॉक हो चुके हैं टीम नंबर 25 के द्वारा। थोड़ा दूर से व्यू लेते हैं, काफ़ी डाइवर्स हो चुके हैं यहाँ बंदे, फैले हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके ए जी एस सी क्रिप्टॉन फिनिश हो चुके हैं, बेकार लगा, इनकी टीम का एक बंदा फिनिश हो चुका है। यहाँ भी एक बंदा नॉक हो चुका है टीम नंबर 25 का। गॉड्स की टीम के दो ही बंदे बचे हैं, स्मोक करके कवर दे रहे हैं अपने आप को किसी तरह। ओके लॉर्ड्स के जो एक बंदे हैं SOF यूसेफ, वो फ्लैंक कर चुके हैं लेफ्ट से गाड़ी में, बट वो जोन आ गई तो उनको दोबारा अंदर आना पड़ेगा। ब्रोक जोरो उनको कुछ टैग देते हुए,
मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रोक जो एजीएससी की टीम है वो बाहर जोन में फंस जाएगी। और यही हुआ, एजीएससी जगारी और उनके दूसरे टीममेट बाहर ही रह गए, उनको नॉक कर दिया गया है। एजीएससी जगारी टीम में आने वाले हैं जोन में, बट उनको भी नॉक कर दिया जाएगा। यस, वो भी नॉक है। बचे हैं बीआरके माही, ये पेड़ के पीछे टीपीपी लेके अभी हील करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। आई डोंट थिंक ही विल सर्वाइव, एंड वो भी गए। टीम एजीएससी बहुत बुरी तरह से मरी है यहाँ पे, बहुत गलत हुआ उनके साथ। अब बची हैं दो टीम्स, टीम डू और डाई और टीम लॉर्ड। यस, टीम लॉर्ड, इनके लीडर हैं लॉर्ड जैब। टीम डीओडी के लीडर हैं डीओडी थॉर। इनके 3 किल्स हैं। इनको पता चल गया यहाँ पे एक बंदा आ गया कार लेके, नेड करने का कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी वर्क करता है कि नहीं, नॉक हो पाते हैं कि नहीं। वो लॉर्ड्स के बाकी बंदे अभी वहीं लूट ही रहे हैं, सैवेज। लॉर्ड्स के भी 4 किल हैं टीम लॉर्ड के। लेट्स सी कौन जीत पाता है। 2v4 हो चुका है अभी यहाँ पे। मैंने बोला है ना आपको, लास्ट तक जो देखते रहिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा एकदम। टीम लॉर्ड की पूरी टीम आ चुकी है, इनको कवर देना है एसओएफ फिशर को। लॉर्ड जैब यहाँ प्रोन हो चुके हैं स्मोक करते हुए, आगे कवर बनाते हुए। ओके, ये लोग राइट से फ्लैंक करके घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एसओएफ यूसेफ इनका ध्यान बटा रहे हैं, बस इनको भी टैग दिया गया अच्छा खासा। ये नॉक हो सकते थे यहाँ पे, बट बच गए। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब देखिए, ये बाकी लॉर्ड की बाकी टीम लेफ्ट से आ रही है फ्लैंक करके, राइट से घुसने का ट्राई करेगी। दूर से विजुअल लेते हैं, देखते क्या होता है। ओके, इनका एक बंदा नॉक कर दिया इन्होंने, टीम 125 का। डीओडी थॉर भी नॉक हो चुके हैं। सुपरमैन ने एक और बंदा नॉक किया, 1v2 हो रखा है अभी। और लगता है लॉर्ड जैब फिनिश कर देंगे मैच एंडेड। लॉर्ड जैब ने फिनिश कर दिया पूरी टीम, मैं कैप्टनशिप अच्छा निभाते हुए। तो गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट कस्टम रूम में या फिर कोई दूसरी वीडियो में। आप लोग सजेशन देते रहिए कमेंट करके कि कौन सी वीडियो मैं लाऊं, किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं मैं पबजी रिलेटेड। और अगर आपको कस्टम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारा, ज्वाइन करिए आप, मज़े कीजिए। और आपको स्पेशल शॉर्ट आउट मिलेगा, जैसे आज टीम एजीएससी को मिला है। गुड बाय गाइज़।